हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मोना कहती है तो मोना क्या कहती है। आज बात करेंगे कि सीखना। तो हम सीखते हैं, बच्चे भी सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, और अगर हम कहीं जॉब करते हैं ऑफिस में, वहाँ सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं। मगर मैं ये जो सीखने की बात कर रही हूँ कि अपनी तरफ से ये स्कूल जाना और जगहों पे जाना और बात करना, ये तो अलग चीज़ है, मगर डेली कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगा करके सीखना, खुद अपनी कोशिश करना कि ये सीखना है मुझे, तो उसके लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा। बहुत से तरीके हैं। जब मोबाइल फ़ोन आया मेरे पास तो कुछ नहीं आता था, मोबाइल में कुछ भी नहीं आता था, और आज मोबाइल का कहाँ पे क्या करना है सब कुछ पता चल चुका है, सबको भी पता है। और इंटरनेट पे भी बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, किसी के घर वाईफाई है तो कोई अपने में डेटा डलवाता है। जब मेरे मोबाइल में डेटा पड़ा तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम अब दिन रात जो है इसी में बिज़ी रहोगी, कभी ये देखोगी कभी वो देखोगी। तो मुझे तब तो पता ही नहीं था कि क्या क्या देखते हैं, इसमें क्या क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि सब लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट पे ये मिल जाएगा, गूगल पे ये सर्च करो मिल जाएगा, गूगल पे वो सर्च करो तो मिल जाएगा। तो दो चार चीज़ें मैंने सर्च की, फिर यूट्यूब का पता चला, फिर बहुत सी चीज़ों का पता चला। तो मुझे लगा कि अगर इसमें हम कुछ सीख लें तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जब ऐसा है कि कुछ भी इसमें सर्च करो तो निकल आएगा, तो क्यों ना हम सीखना शुरू करें। तो अपना टाइम वेस्ट ना करके मैं अपनी यंग जनरेशन या जो भी घर में माँ हैं बहनें, अब तो बहुत लोग यूट्यूब चैनल, लेकिन अभी भी बहुत लोग भटके हुए हैं, बहुत से बच्चे हैं जो दिन रात मोबाइल पर गेम खेलते हैं और ओनली चैटिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। मगर इसमें सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, हर कोई एक दूसरे को इसमें बताता है। तो अगर हम इस पर सीखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैंने बहुत कुछ इससे सीखा है, बहुत कुछ, आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स, मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी तो मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती है और वो मुझे इस पर सीखना है, मैंने अभी सीखा नहीं है। मैं जितना भी करती हूँ ये पूरा टोटल ऐसे ही कर देती हूँ, उसमें कहीं भी मैं एडिटिंग कर नहीं पाती, मुझे नहीं आता है, या मुझे कोई ब्रेक बीच में लेना होता है तो मैं पॉज कर देती हूँ और पॉज करके फिर हट जाती हूँ, फिर दोबारा से उसको प्ले करके वीडियो शूट करती हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता था और मैंने इससे बहुत सी चीज़ें सीखी। मुझे बस नॉलेज इतना था कि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था तो उसके बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज थी, तो मैं उसको ही बस जानती थी। फिर मैंने इसमें सर्च करना बहुत कुछ शुरू किया और आपको यकीन नहीं होगा, मेरे फेस पे स्पॉट था, इस फेस पे अभी भी है, पूरी तरह से नहीं गया है, और मैं इसका ट्रीटमेंट खुद कर रही हूँ, और जब तक ये पूरी तरह क्लीन नहीं हो जाता मैं अभी नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि हो सकता है आप लोग यकीन ना करो। मगर मैं जब ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा मैं उस पर पूरी वीडियो बनाऊँगी और बताऊँगी कि ये कैसे ठीक हुआ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये चीज़ सीखी। फिर मैंने इसमें बहुत सारे DIYs सीखे और घर में किए लॉकडाउन के टाइम। फिर मैंने कुछ इंग्लिश सीखी कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं और ये सब चीज़ें, मतलब ज़्यादा तो नहीं मगर अभी तो मैंने थोड़ा बहुत ही सीखा है। और अपने घर को कैसे सजाएं, मुझे सिलाई बिल्कुल नहीं आती थी, डेकोरेशन बिल्कुल नहीं आता था, वो सारी चीज़ें मैंने इस पर सीखी, मैंने घर में अप्लाई की और घर वालों ने बहुत तारीफ़ की, सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। और अपना सेल्फ अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को अपने हिसाब से रखना जैसे आप चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिलेंगी। तो इंटरनेट का मिसयूज़ ना करो बच्चों, यूज़ करो इसको, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है और सारी चीज़ें इसमें, और गलत चीज़ें भी हैं, तो गलत चीज़ें आप देखिए क्या करोगे। जब मुझे ये पता है कि ये गलत है, जो चीज़ मुझे दूसरों से छुपा करके मोबाइल पे करनी पड़े वो गलत है, अगर मैं
अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे पास से गुजरी, तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर तुमने फ़ोन छुपाया, मतलब कुछ गलत है। तो बच्चों को आदमी समझाता ही है, बच्चे नहीं सुनते हैं, मगर इस तरीके से अगर उनको समझाया जाए तो शायद उनके दिमाग पे ये बात जाएगी। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे YouTube पे इसके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए कि हम डेली कुछ सीखें अगर तो लाइफ, जो स्ट्रगल शादी के बाद, मतलब जब हमारी लाइफ सेट हो जाती है, जैसे बच्चों ने पढ़ाई कर ली और उसके बाद से उन्होंने कोई जॉब की, तो जॉब अगर मन के हिसाब से नहीं होगा, उतनी अर्निंग नहीं होगी, तो मन दुखी होगा। लेकिन अगर हम पूरी तैयारी के साथ अपना काम करेंगे, मतलब कि पहले से ही आपको, आपने हर चीज़ पे काम किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी अच्छी पढ़ाई की, आप सब कुछ सीख कर बैठे हो, तो जब हम अपना कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, ऑर्गेनाइज होता है। और अगर आप ऑर्गेनाइज हैं घर में भी, जैसे हम, मैं नॉर्मल गृहिणियों से ही बोल रही हूँ कि अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो फिर आप हर काम बड़ी आसानी से कर लेंगी, आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी, आपका सारा काम होगा। लेकिन अगर आप अनऑर्गेनाइज हैं, मतलब अगर आप व्यवस्थित हैं, हर चीज़ें आपकी व्यवस्थित हैं, हर काम आपका व्यवस्थित है, तो आपको कोई भी काम करने में कभी भी थकावट नहीं होगी और कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, साथ के साथ हमें काम के साथ साथ उसको व्यवस्थित करते भी जाना चाहिए। जो हम बिखरा रहे हैं उसको अगर हम व्यवस्थित नहीं हैं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप व्यवस्थित हैं तो फिर ठीक है, अगर हम व्यवस्थित नहीं हैं, मीन्स अनऑर्गेनाइज हैं, तो फिर हम कोई भी काम करने में हमें बहुत दिक्कत होगी। फ्रेंड्स, मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना खुद का। जब मैं समय से अपना काम कर लेती हूँ तो मुझे और भी काम करने का टाइम मिलता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप अपने काम को व्यवस्थित करके करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और डेली कुछ सीखिए, डेली कुछ ऐसा करिए कि आप दिन ब दिन इम्प्रूव होते जाइए। तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ कुछ सीखना यानी आप अपने माइंड को दिन ब दिन फ्रेश करते जा रहे हो, आपका माइंड शार्प होता है। ये हमारा एक मशीन है, अगर इस मशीन को हम नहीं चलाएंगे तो ये मशीन बंद पड़ जाएगी। तो उसको, अपने इस मशीन को डेली चलाइए, और जितना चलाएंगे उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो वैसे तो बहुत सारा चीज़ है, बैठे बैठे हम देखें ना दिन रात मोबाइल पे, कभी सॉन्ग सुने, कभी गाना गाएं, तो कभी डांस देखें, तो कभी सीरियल्स देखें, बहुत सी चीज़ें हैं, टीवी खोल के लेट जाएं, मगर ये तरीका नहीं हुआ जीने का। आप ऑर्गेनाइज रहिए, आप सीखिए, आप एक्टिव रहिए, तभी आप स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो बोल रही हूँ, जो कह रही हूँ, क्या ये सही बोल रही हूँ, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो थैंक्स फ्रेंड, एंड बाय।